नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज और हमारे पीछे है मऊ में अब बन गया है सेल्फी पॉइंट, आई लव हमारा मऊ। ये मीडिया पर कल रात से ये फोटो वायरल हुई तो हमने सोचा कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं कहां पर ये बना हुआ है। कैमरामैन पीछे से पूरी तस्वीर दिखाएं कि ये कहां बना हुआ है। पीछे कैमरे को लेके जाएं पहले, ये जब आप गोरखपुर की तरफ से बीटी ओवर ब्रिज को चढ़ेंगे या फिर ढेकुलिया घाट ओवर ब्रिज की तरफ जाएंगे तो ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, आई लव हमारा मऊ। आप देखे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जिस प्लेस पर आप रहते हैं वहां पर इस तरह के सेल्फी पॉइंट ब्रांड प्रमोशन के लिए, उस शहर के ब्रांड प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। तो हमारे पीछे भी बन चुका है आई लव हमारा मऊ। आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने मऊ होने की पहचान बता सकते हैं कि आप मऊ के रहने वाले हैं और मऊ में रहते हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें लेकर आप पीछे जब ये रात में आएंगे तो बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन हम आपको ये दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीछे आपको रात की भी तस्वीरें इस वीडियो में हम बिल्ड कर देंगे। देख सकते हैं ये फाउंटेन बन रहा है, इसके बीचों बीच ये जो जगह है वहां पर फाउंटेन बन रहा है और मैं कैमरामैन से कहूंगा आगे अंदर दिखाएं, अभी भी इसको तैयार किया जा रहा है। आशा है कि 9 वर्ष में ये जनता को समर्पित हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शहर के कुछ गणमान्य लोग भी मौजूद हैं, लेकिन पहले देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है, आई लव हमारा मऊ। ये जब रात में आप यहाँ पे आएंगे और पेड़ पौधे भी लगे हैं, ये नेशनल हाईवे 29 के एकदम सटे हुए है। तो यहाँ पर जब कोई इधर से, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं इधर आइए, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह शहर गोरखपुर को होकर ये रास्ता जाता है NH-29, और इसके बीचों बीच मऊ शहर में, मऊ शहर के जो प्लेस है वहां पर इस इमेज बिल्डिंग को किया गया है, आई लव हमारा मऊ। यहां से हमेशा कभी ना कभी मुख्यमंत्री भी इस रास्ते से आते जाते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जब ये जगह और विकसित होगी तो यहाँ पर ये काफी आकर्षक का केंद्र बनेगा। यहाँ पे फाउंटेन बन रहा है चारों तरफ, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर लाइट लगाया जा रहा है और यहाँ पर सही बात यह है कि रेडियम लाइट से इसको पूरी बैरिकेडिंग की गई है, ये वो है। और आइए ये जो बनवा रहे हैं इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ ये कब तक जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? रामू यादव। कब तक ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा? इधर आइए, इधर आइए, हाँ जी, नए वर्ष पर, इधर आइए, यहाँ पे आइए, हाँ हाँ, नए वर्ष पर इसको तैयार हो जाएगा, दे दिया जाएगा जनता, नए वर्ष पर मिल जाएगा जनता के लिए जी। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, अभी से लोगों का आना शुरू हो गया, कल रात में आना शुरू हुआ, रात में जब टेस्टिंग हुआ तो यहाँ कम से कम 500 लोग इकट्ठा हो गए हैं और सुबह से लोग आज यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। और रविवार का दिन है, छुट्टी होने के कारण और लोग दिन में भी आए हैं, यहाँ बहुत लोग आए हैं और क्रम जारी है। अभी तो नव निर्माण काम चालू है, एक हफ्ते का समय और बचा हुआ है, एक हफ्ते में कंप्लीट कर दिया जाएगा, एक हफ्ते में हो जाएगा। यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप जायसवाल। देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग बैठे थे, किस तरह का आकर्षक है ये? एक बहुत सुंदर चीज है, मऊ के विकास में बहुत बड़ा इसका योगदान रहेगा। आई लव हमारा मऊ, आई लव हमारा मऊ, इससे ये मालूम मऊ हमारी बहुत ज्यादा विकास कर रही है, नई नई चीजें आ रही है, नई नई चीज आ रही है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? दीपक शुक्ला, माननीय मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नगर पालिका परिषद मऊ के और नगर पालिका परिवार की पूरी टीम को बधाई, मऊ शहर को एक नया, नई चीज देने के लिए, नया आयाम देने के लिए सभी लोगों को बहुत बधाई। और ये काम शहर के विकास के माध्यम, मतलब के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा और नगर पालिका की पूरी टीम को, पूरी पूरे नगर पालिका परिवार को, माननीय मंत्री नगर विकास जो हमारे मऊ के ही रहने वाले हैं उनको भी बहुत बधाई। देखिए ये बहुत विकास है, अप्पू सिंह पत्रकार हैं, यहाँ पे खड़े हो जाइए। ये बताइए कि ये जो आई लव हमारा मऊ है ये कितना आकर्षक का केंद्र लगा लोगों के लिए? ये मऊ में ये हमको लग रहा है कि पहली ऐसी चीज है जो मऊ को मिल रही है, जहाँ लोग आएंगे फोटो खिंचवाएंगे तो ये काफी आकर्षक मऊ के लिए है और लोग इधर आकर्षित होंगे आने के लिए और काफी उत्साहवर्धक रहेगा ये। देखिए इन्होंने बताया कि उत्साहवर्धक रहेगा और कहीं ना कहीं ये एक प्लेस रहेगा जहां पर आप आएंगे, कुछ वक्त बिताएंगे और यहां पर फोटो जब अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे तो मऊ की भी ब्रांड बिल्डिंग होगी और कहीं ना कहीं
ये एक आने वाले दिनों में एक ये एरिया भी डेवलप होगा और साथ साथ मऊ भी हमारा डेवलप होगा और कहीं ना कहीं ये मऊ के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सौगात है। यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री जी हैं, नगर विकास उनके नगर पालिका द्वारा और तमाम हमारे जिले के आला अधिकारियों द्वारा जो यहाँ पर ये लोगों को नए वर्ष में सौगात दी जा रही है, उसके लिए सबसे तेज न्यूज उनका तहे दिल से धन्यवाद देता है। धन्यवाद।